नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं, जाने अपने शहर के मौसम का ताजा हाल। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, इस कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लोगों के लिए अब आफत बन गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भाग, विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता या महंगा, जानिए। यहाँ देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.02 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.81 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.24 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.54 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.45 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.80 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.27 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.60 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम धामी आज करेंगे नामांकन। खटीमा प्रदेश के सबसे हॉट विधानसभा सीट बन गई है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता और उनके समर्थक भी होंगे। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किशोर उपाध्याय। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में सदस्यता ले सकते हैं। वर्चुअल जनसभा त्रिवेंद्र करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कर्णप्रयाग और लैंसडाउन विधानसभा में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सतपाल महाराज दाखिल करेंगे नामांकन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी आज चौबट्टा खाल सीट से अपना नामांकन करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मीडिया टीम की ओर से जानकारी दी गई है कि नामांकन के लिए गुरुवार 27 जनवरी का दिन तय किया गया है। सुमित हृदेश करेंगे नामांकन। कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदेश के निधन के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके सबसे छोटे बेटे सुमित हृदेश संभालेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने भी हल्द्वानी से टिकट देकर सुमित पर भरोसा जताया है। सुमित हृदेश आज हल्द्वानी विधानसभा से अपना नामांकन करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। कांग्रेस में उथल पुथल, हरीश रावत समेत 5 सीटों पर बदले गए प्रत्याशी। तीसरी लिस्ट में हरदा की बेटी का भी नाम। उत्तराखंड कांग्रेस में कितनी उथल पुथल जारी है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि दूसरी लिस्ट जारी होने और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान देने के बाद भी 5 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। बुधवार 26 जनवरी देर रात कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। वैसे तो ये तीसरी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में 5 सीटें दूसरी लिस्ट की ही शामिल है, जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरी लिस्ट। बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 3 विधायकों का कटा टिकट, जाने किसे कहां से मिला टिकट। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। पार्टी ने केदारनाथ से शैला रानी रावत, छबरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरान कलियर से मुनीश सैनी, कोटद्वार से रितु खंडूड़ी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया है। हार के डर से बीजेपी त्रिवेंद्र का टिकट काट रही है। 2016 में कांग्रेस तोड़ने के सूत्रधार थे बहुगुना हरक। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुना पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा ने हार के डर से त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिकट काटा है, जबकि विजय बहुगुना पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 में कांग्रेस तोड़ने के सूत्रधार विजय बहुगुना थे। चकराता में पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल। चकराता में लागा पोखरी के पास पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे अमित शाह। उत्तराखंड के इन जिलों में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्दी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह रुद्रप्रयाग जिले में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी से जम गई भागीरथी नदी, सफेद चादर की आगोश में कई गाँव। गंगोत्री धाम में ठंड का अलग ही सितम देखने को मिल रहा है। जहाँ बर्फबारी के बीच भागीरथी नदी जम गई है, उधर जिले के कई गाँव सफेद चादर की आगोश में है। चोरों ने 24 सीसीटीवी फुटेज किए डिलीट, एक कैमरे से खुला राज, 25 लाख की चोरी का हुआ पर्दाफाश। हरिद्वार जिले ने फैक्ट्री से चुराई गई करीब 24 किलो चांदी की चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। उसने 25 लाख रुपए की चांदी चुराई थी। वहीं पुलिस ने शराब तस्करी के एक और मामले में खुलासा किया है। रुड़की, पहचान छिपा रही 50,000 की इनामी महिला गिरफ्तार। बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में यूपी एसटीएफ ने पकड़ा।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ टीम ने दबिश देकर 50,000 रुपए की इनामी महिला को रुड़की से गिरफ्तार किया है। महिला पिछले कई वर्षों से नाम बदलकर रुड़की में एक नेता के प्रतिनिधि के घर में रह रही थी। महिला पर बच्चियों और महिलाओं को झांसे में लेकर यौन शोषण करवाने का आरोप है। वही मामले का मुख्य आरोपी बाबा दयानंद उर्फ सचिदानंद को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बीजेपी और बसपा कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर। उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य सहित 8 कांग्रेसियों पर आचार संहिता उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बीजेपी और बसपा के 3 दर्जन से अधिक अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये सभी मुकदमे थाना बाजपुर और आईटीआई थाने में दर्ज किए गए हैं। जल्द उत्तराखंड आएंगे अखिलेश यादव, फूकेंगे चुनावी बिगुल। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर सपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जल्द ही उत्तराखंड आने वाले हैं। खबर है कि 31 जनवरी के बाद वो उत्तराखंड में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। रुड़की पुलिस ने फॉर्चूनर कार से बरामद किए 3 लाख, नियमों के उल्लंघन पर कांग्रेस प्रत्याशी पर मुकदमा। रुड़की में चेकिंग अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस ने एक राजस्थान नंबर की कार को रोका, जिसकी तलाशी के दौरान 3,09,740 रुपए की नकदी बरामद हुई है। वहीं रुड़की पुलिस ने आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर, 24 घंटे में मिले 2,904 नए संक्रमित, 4 की मौत, देहरादून में मिले 1,016 मरीज। उत्तराखंड में बुधवार 26 जनवरी को बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,904 नए मरीज मिले हैं। वही 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 46.45% है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हमेशा रहा चुनावी मुद्दा, भविष्य को लेकर कर्मियों में संशय बरकरार। हर बार विधानसभा चुनाव में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर चुनावी मुद्दा बनता है, इसके बावजूद यहाँ हालात जस के तस है। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दोनों विधायक रहे हैं, लेकिन कर्मियों की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। ज्योति रौतेला बनी कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष, इनको बनाया उपाध्यक्ष। उत्तराखंड कांग्रेस ने ज्योति रौतेला को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ज्योति रौतेला लेंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। इस बार भी टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन हरक सिंह रावत की बहू अनुप्रीति गुसाई की कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ कमलेश रमन, अलका पाल, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा और भागीरथी बिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर, मिल गई मंजूरी, बाजार में मिलेगी वैक्सीन, इतनी होगी कीमत। कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम करने में कोरोना वैक्सीन की अहम भूमिका रही है। वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अब भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपने टीकों के लिए रेगुलर मार्केटिंग अप्रूवल मांगा है। ये कंपनियां अब अपनी वैक्सीन को सीधे बाजार में उतारकर आम लोगों के हाथ में पहुंचना चाहती हैं। हालांकि इन वैक्सीन की खुले बाजार में क्या कीमत होगी, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस बीच सरकारी सूत्रों ने वैक्सीन के दामों को लेकर खुलासा कर दिया है, यह होगी टीकों की कीमत। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की मंजूरी के बाद इनकी कीमत 275 रुपए प्रति डोज पर तय की जा सकती है। हालांकि टीके की डोज पर 150 रुपए का अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी लगाया जाएगा, यानी एक वैक्सीन डोज की कीमत खुले बाजार में 425 रुपए के करीब रहने की संभावना है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।